गौरव वर्धन पाणिग्राही गौरव यस सर म्यूट कर क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में सर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ फाइट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट ऑल हैव डन एक्सेप्ट टैन एक्स कॉट एक्स आई थिंक ना सेक एक्स कोसेक एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स हैव यू डन दैट यस सर यस सर What is integral of sec hyperbolic x? The log sir, mod tan inverse sine hx. Sir, tan inverse sine hx plus c. Yes, sir. The log mod sec hyperbolic x minus tan hyperbolic x plus c. गलत है. सर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी दैट इज अगेन रॉन्ग सर टू टैन इनवर्स टैन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू प्लस सी देखो ये है टू बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स पावर माइनस That I can write
by e to the power x plus 1 by e to the power x dx. That will be 2i sub e to the power x dx by e to the power 2x plus 1. e to the power x को t ले जाओ तो e to the power x dx will be dt. That is twice dt by 1 plus t square. That is 2 tan inverse t plus c. That is 2 tan inverse e to the power x. देख रहे हो? यस सर. यस सर. सिमिलरली कोसेक हाइपरबोलिक एक्स बना के बताओ इन सेम प्रोसेस. लॉग में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में आएगा जो 1 बाय 2 ए लॉग एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए. यस सर. ln e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस 1 प्लस c प्लस c. यस सर. फंक्शन और सर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन. एक नेगेटिव साइन आएगा. नॉर्मली sec थीटा का इंटीग्रेशन में हम sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पर sec का इंटीग्रेशन sec का डिफरेंशिएशन जब लोगी तो वो नेगेटिव ही होगा. sec का डिफरेंशिएशन लेने से वो नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबको मालूम है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है? दो फंक्शन दिया गया है फर्स्ट सेकंड फंक्शन. तो क्या होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन differentiation of first into integration of second ka whole dx. First function second function you are choosing by using the rule Eilert. Yes. Eilert se first second choose karte hain lekin there is one rule Leibniz rule by which you can integrate immediately. Suppose
integration of x cube e to the power x dx. तो उसका आंसर मैं इमीडिएट लिख सकता हूं. इसका आंसर मैं इमीडिएट लिख सकता हूं. जानते हो कैसे? आंसर इज दिस वन. बट यू विल टेक, इफ यू विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू विल टेक मिनिमम 5 मिनट्स टू इवेलुएट इट. Minimum 5 minutes to evaluate it. The rule is like this. This is your first function. This is your second function. देखो मैं रूल को कैसे लिख रहा हूं. First integration of second. माइनस ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का इंटेग्रेशन, प्लस ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का इंटेग्रेशन, माइनस ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का इंटेग्रेशन, ऐसे चलता रहता है. कहां तक? डेरिवेटिव पार्ट जब तक कॉन्स्टेंट नहीं होता है. आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखो हुआ है या नहीं. फर्स्ट उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव पार्ट कंस्टेंट हो गया, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो आगे नहीं बढ़ेगा. दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी फंक्शन. सपोज इट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, व्हाट इट विल बी बाय द रूल, हु कैन से. This is u, this is v. तो u, v का इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव पार्ट कॉन्स्टेंट हो गया और आगे नहीं बढ़ेगा. इट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी. समझ पा रहे हो? Can you explain it again? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन यू चूज बाय द रूल आइलेट. U is the first function, V is the second function. As per your integration by parts rule, first term write down. First integration of second. First integration of second. The terms are to be alternative. The terms are to be with alternative sign. U ka derivative, V ka integration. उसके बाद इसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन, फिर यहां पर जो आया उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन, ऐसे चलता रहेगा. एक्स स्क्वायर साइन एक्स में एक्स स्क्वायर यू साइन एक्स भी, तो फर्स्ट टर्म मैंने बनाया एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहां पर जो मिला है टू एक्स उनका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इससे चलता रहेगा.
ये कहाँ अप्लीकेबल है, वेयर यू कैन अप्लाई इट, नॉट एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर. You can apply only when algebraic exponential, algebraic trigonometry. Trigonometry means sine and cosine function when come. When sine and cosine function come, then you can apply this one. Can I erase? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये apply होता है polynomial. Into sine function or cosine function. Polynomial into exponential function. पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, दोज थिंग्स आई विल नॉट रिपीट व्हेन आई विल कम टू द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इन प्रॉब्लम दोज थिंग्स विल कम, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इनिशियली. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, a polynomial of degree n is of the form a0 plus a1x plus a2x square, like this way up to anx to the power n. This is a polynomial of degree n. Polynomial of degree zero क्या होगा? Polynomial of degree zero is a constant. Any constant is a polynomial of degree zero. Polynomial of degree one क्या होगा? a0 plus a1x or some constant into x. Polynomial of degree 2 kya hoga? a0 plus a1x plus a2x square or some constant into x square. Or ax square plus b or ax square plus bx. This is कोई भी फॉर्म को हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू बोल सकते हैं. सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री में क्या आएगा? Who can say? Sir, a zero plus a one x plus a two x square plus a three x cube is bx is a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube or a0 plus a1x cube or ax plus bx cube or ax square plus bx, several choices are there. Or ax plus bx square plus cx cube. So many choices. But the higher power of x should be 3. The higher power of x should be 3. That should be present. Baki jo teen term may present, may not present. But this term should be present. This term should be present.
Similarly, degree 4, degree 5, accordingly you can observe. सर मेरा एक डाउट था सर. हेलो सर, जो आपने एक्स क्यूब और ई टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन किया था अभी बाईपार्ट के थ्रू, तो सर वो तो दो बार बाईपार्ट करने पे ही आ रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा जरूरी तो कंपलसरी तो नहीं है कि उसी टाइप से करना है? दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है या डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो? जब कोई एक क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 साइन 3x है, कितने बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? कितने बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर? बहुत बार लगेगा इसका सर. तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन करके मैं 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट करूंगा, तो बाकी क्वेश्चन के लिए मुझे टाइम मिलेगा क्या? ओके सर. फिर एग्जाम में दूसरे फॉर्म से करे तो चलेगा क्या? ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. हो गया? यस सर. यस सर. लास्ट थिंग, दो इंटीग्रेशन है ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
लेकिन वो इंटीग्रेशन कैसे होता है किसी को मालूम है? सर फर्स्ट लिस्ट को आई सेलेक्ट करके पे करते हैं, फिर उसके बाद जो एंडिंग में सेम फंक्शन को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। यहां पर दोनों रिकरिंग फंक्शन है, तो आईलेट के हिसाब से साइन को फर्स्ट ई टू दी पावर एक्स को सेकंड लिया जा सकता है, लिया जाता है, बट आई विल टेक एनी वन, आई विल टेक एनी वन एज फर्स्ट, एनी वन और सेकंड, और एज पर योर ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो नॉर्मली ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, तो दैट इज ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी कॉस बी एक्स e to the power ax by a dx, that is e to the power ax sin bx by a minus b by a cos bx e to the power ax dx। फिर आ गया recurring, तो again integrate b by a cos bx e to the power ax by a minus cos bx का इंटीग्रेशन है minus b sin bx e to the power ax by a dx, जो हो गया यहाँ पर minus b by a square e to the power ax cos bx माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। जिस इंटीग्रेशन मुझे करना था वही फिर आ गया, तो ये हो गया ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस b by a square e to the power ax cos bx minus b square by a square, जो इंटीग्रेशन उधर ले आऊंगा लेफ्ट साइड को, वन प्लस b square by a square of i equal to e to the power ax साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऑफ आई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए कॉमन लेने से साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए cos bx, जिसको मैं लिख सकता हूँ e to the power ax by a square into a sin bx minus b cos bx, जो i का वैल्यू क्या हुआ e to the power ax by a square plus b square a sin bx माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस करूंगा नहीं, मच मोर कुछ सिंपल कम। हाँ सर, ये इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करके भी किया जा सकता है ना? मतलब ई टू पर ए कॉस बी एक्स एक ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट ये फंक्शन को लेके। बट प्रोसेस ये है, दैट इज नॉट द प्रोसेस। इंटीग्रेशन का जो टेक्निक है, इंटीग्रेशन टेक्निक ये है
सिमिलरली e to the power x cos bx, you have to evaluate and you have to remember the formula. आज का सेकेंड हाफ क्लास प्रूफ करने के लिए रहेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा? प्रॉब्लम है ये, प्रूफ नहीं, ये बेटा तुम्हारा 11th 12th स्टैंडर्ड का बात है, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए ये बात नहीं आएगा, प्रॉब्लम में ये आएगा व्हेन यू विल सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे एक फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये इंटीग्रेशन में नहीं करूंगा, वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर आएगा e टू द पावर 2x sin 3x dx, उसका इंटीग्रेशन करो, ऐसे आएगा, तो यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, फॉर्मूला में मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल के रख दूंगा, एग्जाम में भी वही करना है। फोर्टी मिनट्स के बाद आज रिजाइन नहीं करना है, मेरा एक मीटिंग है, तो यू डोंट हैव टू रिजाइन आफ्टर 40 मिनट्स। ओके सर। ओके सर। ओके सर। पर वो लास्ट लाइन में सर वो बी स्क्वायर कैसे आया? यहाँ पर बी बाई ए है, यहाँ पर बी बाई ए है, सब नेक्स्ट टाइम करिए। एक बार वापस वो स्लाइड दिखाइए ना। ओके सर, थैंक यू। हो गया पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करके फॉर्मूला निकालो, दैट इज टास्क फॉर यू, दैट इज टास्क फॉर यू, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx dx,
e to the power ax cos bx dx, that is task for you. तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेबस शुरू करूंगा. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द कोर्स हैंड आउट, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाना है, वो डिटेल्स मैंने दिया था. देखे हो किसी ने? एनीबॉडी हैव चेक इट? आज जाके चेक करो, आज जाके चेक करो. ओके ऑल्सो ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड सम मटेरियल. फर्स्ट दो आर्टिकल का मटेरियल भी शेयर किया था ग्रुप में. और भी कुछ करूंगा लेकिन वो मटेरियल के साथ मेरा टीचिंग का कोई रिलेशन नहीं है. वो दैट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, दैट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. डिटेल्स टीचिंग विल बी डन हियर. आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर बुक. Your work is to solve the exercise problem of your book. Okay, आज के लिए इतना ही है. तो next class में शुरू होगा syllabus. Okay. That is a derived function of free energy. ओके, सो फ्री एनर्जी से वो रिलेटेड है. दैट इज व्हाई दैट इज नॉट ए वेरी न्यू वन, बट स्टिल केमिकल पोटेंशियल इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सिस्टम इन ए रियल कंडीशन, इन ए ओपन सिस्टम. ओके, इन ए ओपन सिस्टम वी कैन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल पोटेंशियल. सो केमिकल पोटेंशियल डज द सेम वर्क एज दैट ऑफ द फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी जो काम करता है केमिकल पोटेंशियल वही काम करता है. ओके, बट द डिफरेंस इज दैट केमिकल पोटेंशियल इज ए रियलिस्टिक अप्रोच एंड कैन बी अप्लाइड टू ओपन सिस्टम्स आल्सो. ओके, एनीवे आई विल बी डिस्कसिंग दैट केमिकल पोटेंशियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. योर वर्क इज जस्ट टू फॉलो वट एवर आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास. ग्रेजुअली विल मूव इन टू एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन एडिशनली विल रिक्वायर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू the information as and when required. So don't worry about that. So we have started discussing the energy content of a system. For describing the energy content of a system, two functions are utilized. One is your internal energy, another is your enthalpy. So what is internal energy? That is the energy possessed by a system by virtue of its existence. Koi ek system ek jagah pe hai, means uska kuch energy to hoga hi hoga. That energy is known as internal energy. Okay, absolute value cannot be measured. I have told you already why absolute value cannot be measured. Actually, how we measure energy? When system does work by applying some force on some other object to have some displacement. So we calculate the energy spent by the system in the form of work. So work equivalent of mechanical energy is contained in the system. That is our conclusion. But what about the non-mechanical energy which we cannot see? The energy that remain dissipated in the individual particles that make the system. What about that? So because of this non-mechanical component, which is actually the vibrational energy of the particles, rotational energy of the particles, translational energy of the particles, electronic energy, nuclear energy, etc. All these contribute to this non-mechanical component. And the absolute values of these individual contributions cannot be calculated correctly. That is why we cannot calculate U or internal energy associated with a system at a particular state. Understood? Yes? Yes, sir. Okay. So from this point, we are going to start our today's class. What is the date actually?
26, 10. This class I will take in this seat only, and I will share you subsequently. So the absolute value cannot be measured. Next thing is that internal energy is an extensive property. I am trying to note down all the aspects of internal energy, and any question from internal energy you can do. So internal energy is an extensive property. I think there is no explanation needed for this particular point. Already I have clarified this one. All the important thermodynamic functions are extensive property and state function. So let me also write that internal energy is also a state function. That means internal energy, what is the meaning of state function? Can you recall back? State function means it has, so it does not depend on the path. Exactly. That means it has an unique value at a given state of a system, isn't it? Yes, sir. A given condition, set of condition. State means what? Condition of existence defined by a set of variables. Already I have given you the definitions. Dekho, main pura clarity karke rakha hun aapke saath. Everything what you understand, you can express. What is state? Condition of existence defined by a set of variables. As long as the variables remain same, the system remains at a particular state. So you should have a very clear vision in mind. What is system? What is state? What are state variables? What is the path? Everything should be clear. So internal energy is a state function. That means it has a unique value at a given state. Koi bhi ek state mein iska value jo hai wo unique hai, but it is our limitation that we cannot calculate that value. Okay, next. Actually main every time students ko bolta hu ki thank God that internal energy is a state function. You see, we cannot measure the absolute value of internal energy. अगर ये स्टेट फंक्शन नहीं होता तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता, बट थैंक गॉड इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम एट ए पर्टिकुलर स्टेट. आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट. थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं किसको कैलकुलेट करने में, ये इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने में. रादर we are more interested to calculate delta U. Try to understand my point. In thermodynamics, delta U is given priority or emphasis. Try to understand my point. And it is possible because U is a state function. U state function hai, isliye humko ek advantage mil jata hai ki delta U hum log measure kar sakte hain. And what is delta U? Definitely we have to understand the physical significance of delta U. Then only you can say that it is very easy to measure the delta U. So my point is that we never measure U. Rather, we measure delta U associated with a change. When system moves from one state to another, we measure what is delta U. Because you know, path independent function. So system kaise jata hai, initial state se final state mein, we are not at all worried about that. What are the steps adopted by the system in order to move from initial state to another state, whether it is a complicated process, multiple step process, or a single step concerted process, dono hi case mein hum log delta U ko easily calculate kar sakte hain. Because delta U is nothing but UF minus UI. Try to understand. Delta U is nothing but your UF minus UI, that is the final state internal energy minus initial state internal energy. You know, these values are unique values, independent of the previous history of the state. So whether the process is a complex process, multi-step process, or the process is a simple process, this value will be independent of that. And we are much more interested in delta U. So what is the physical significance? Let's look at the physical significance of
delta u. For understanding the physical significance of delta u, I am going to utilize the mathematical formulation for the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics says that Q is equal to W plus delta U. I think you understand this particular mathematical expression. Still then, let me tell you that first law of thermodynamics considers or tells about the conservation of energy. Okay. Suppose the system takes some amount of heat from surrounding to perform some work. So when system takes energy in the form of heat, does some work, I am saying this W is the work done. But you know, 100% transformation of heat into work is not possible. Therefore, whatever heat the system takes, a part is utilized for useful work. And what about the rest part? We are saying that energy is conserved. So the rest part actually get dissipated or distributed among the individual particles that make the system. That means the rest energy is utilized in increasing the internal energy of the system, because that energy goes to the individual particles and contributes to vibration, rotation, translation, etc. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Anywhere, if you think that whatever you are expecting, the discussion is not going in that way, definitely you are free to ask me questions. So my point is that first law says energy is conserved. So system is taking some amount of heat from surrounding to do some work, but 100% utilization of energy to transform into work is not possible. So definitely some portion will go to the individual particles. मैं एक आपको real life example देता हूँ, कोई भी system. ये तो मैं एक system का बात कर रहा हूँ, confined system का बात कर रहा हूँ. Suppose you are cooking something in the kitchen. आप जब cooking करते हो, you are carrying out the combustion of gas, LPG. Okay? आप LPG use करते हो, cooking में LPG का use एक common practice है. हम LPG को carry out करते हैं, उसका burning करते, combustion करते हैं, जो heat निकलता है, that heat is transformed into the utensil in which you carry out the cooking process. While the heat is transformed into the utensil in which you are cooking, can you assure that whatever heat is produced by the combustion of LPG, everything is transformed into the utensil? Is it possible? No, sir. Utensil ka jo particles hai, उसको वाइब्रेट, ट्रांसलेट, रोटेशन या उसके पार्टिकल्स में भी कुछ एनर्जी जाएगा जो कि कुकिंग में यूज नहीं होगा. कुछ एनर्जी आपका सराउंडिंग जो है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, वो भी कुछ एनर्जी गेन करेंगे एंड उनका भी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा. इसलिए तो जो कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म होता है, वो सब के थ्रू एनर्जी तो डिसिपेट हो जाएगा सराउंडिंग पार्टिकल्स को ऑल्सो. इसलिए आप देखोगे जहां पे कुकिंग हो रहा है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ऑफ द हीट डिसिपेशन इनटू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स. सो आप जब हीट लेते हो, सब कुछ तो आप मैंने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सम एनर्जी विल डेफिनेटली गो टू दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट मेक दिस सिस्टम. So, सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाएगा. सो जितना हीट मैं ले रहा हूं उसको दो तरह से मैं यूटिलाइज कर रहा हूं. व्हाट एवर हीट आई एम टेकिंग इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज. वन पार्ट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग यूजफुल वर्क एंड द रेस्ट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. सो वो दोनों को मिलाने से आपको टोटल एनर्जी मिलेगा कि नहीं, बिकॉज लॉ टेल्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So yes, can sir. I write from first law Q is equal to W plus delta U? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Work done. When I'm talking of work done, I am talking of P delta V. Let me write that W is equal to P delta V.
pressure volume work, which is the most common form of work, whatever we have discussed in the plus 2. Our intermediate knowledge hai, hum log zyadatar ye PV work ka baat karte hain, pressure volume work ka baat karte hain. To Q is equal to P delta V into delta U. If I carry out the process at constant volume, if the process is carried out at constant volume, then can I write that Q is equal to delta U? Yes, sir. Yes, sir. Because this delta V term will be zero. Yes, sir. Then delta V will be zero. So P delta V will be zero. So work done, there will be no work done. So whatever heat I have taken, that is utilized in increasing the internal energy. Samajh mein aa raha hai? Yes, sir. So yes, delta sir. U ka agar physical significance main likhna chahunga, if I want to write the physical significance of delta U, cannot I write that delta U is nothing but the heat change at constant volume? Please mute yourself. Eh? Somebody is on mute. So delta U is nothing but the heat change accompanying the process at constant volume, or heat change when a process is carried at constant volume. कोई भी एक constant volume process में, कोई भी एक ऐसा process जिसमें volume change is not there. Whatever heat we are providing, that is utilized in increasing the internal energy. So internal energy change हुए, internal energy का तो कोई physical significance नहीं है, क्योंकि आप तो उसको measure नहीं कर सकते. But delta U का physical significance ये है कि process के दौरान कितना heat आपका बाहर जा रहा है या कितना heat अंदर आ रहा है. Are you getting my point? Whatever heat exchange takes place, goes out or comes in, accompanying a process, if the process is carried out at constant volume, that is known as delta U. And often we say QV. हम लोग इसको लिखते हैं QV. That is heat change at constant volume. Do you understand the physical significance? Sir, work done should be minus P delta V. देखो, वो जो साइन कन्वेंशन का बात हम जब करते हैं, now I am not talking of sign convention. I will utilize also that concept later on. But whatever idea you are having from plus two, that idea can be utilized. When work is done by the system, you see, when energy goes out of the system, anything goes out, whether that is electron, whether that is heat, whether that is energy, whatever. सिस्टम से बाहर जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव. समथिंग गोइंग आउट, दैट इज नोन एज नेगेटिव. दैट इज अ साइन कन्वेंशन वी यूज. जो डिक्रीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट इज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, सो वर्क बाहर जा रहा है, मीन्स एनर्जी गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क. सिस्टम जब काम करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी विल गो आउट. So our convention in chemistry is that work is done by the system, then that is positive. Okay, system jab kaam karega, system se energy bahar jayega, to isko hum bolte hain negative work. Agar system ke upar kaam hoga, work is done on the system, so something is coming into the system, added into the system, energy is added into the system, either in the form of work or in the form of heat, jo bhi form ho, अगर एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रहा है, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम एंडोथर्मिक पॉजिटिव, हीट गोइंग आउट इज नेगेटिव, वर्क कमिंग इन इज पॉजिटिव, वर्क गोइंग आउट इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कमिंग इन इज पॉजिटिव, गोइंग आउट इज नेगेटिव. अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल? यस सर. 100% क्लियर. देयर शुड नॉट बी एनी एंबिग्युटी इन द माइंड. Have a single convention. Something is added to the system is positive. Something going out of the system is negative. Yes? Yes, sir. Clear. Okay. So, ek aur bhi point yahan pe hai. But I will come back to that. After the physical significance, let us go back
एंड डिस्कस व्हाट इज एंथैल्पी एक्चुअली. मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, दोनों फंक्शन एनर्जी कंटेंट को ही इंडिकेट करते हैं. तो बेसिकली आप जब एंथैल्पी का बात करते हैं, ये भी एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम को इंडिकेट करता है. एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम. देन द क्वेश्चन अराइजेस, फॉर ए सेम पैरामीटर माने सेम एनर्जी कंटेंट, व्हाई यू आर यूजिंग टू डिफरेंट फंक्शंस? वही तो एनर्जी कंटेंट का बात हम करते हैं. तो दो फंक्शन वहां पर यूज करने का मतलब क्या है? आप सर बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम, एंथैल्पी भी एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम, देन व्हाट इज द डिफरेंस? सो यहां पे मैं एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं, टोटल एनर्जी. व्हाट डज इट मीन? यहां पे मैं क्या टोटल एनर्जी का बात नहीं कर रहा था? यहां पे टोटल एनर्जी मैं क्यों लिखा हूं? एक्चुअली दोनों केस में भी आप टोटल एनर्जी लिख सकते हो, बट थोड़ा उसमें डिफरेंस लाने के लिए, जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए, मैं वहां पे ओनली एनर्जी पोजेस्ट लिखा था, यहां पे टोटल एनर्जी पोजेस्ट लिखा. दैट मींस कुछ एक एनर्जी का कंपोनेंट है जो मैं इंटरनल एनर्जी में कंसीडर नहीं कर रहा. आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट ऑन दैट? यस. अभी yes. आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज माय इंटेंशन टू डिस्कस. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आई एम इंटरेस्टेड टू से, यहां पे टोटल एनर्जी का जो बात मैं कर रहा हूं, इसमें आई एम टेकिंग मैकेनिकल कंपोनेंट प्लस नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. सिस्टम अगर काम करेगा तो वो एनर्जी स्पेंड करेगा कि नहीं? यस यस. या सिस्टम के ऊपर अगर काम होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. दो चीज वहां पे है. अगर वर्क का पॉसिबिलिटी आपका आपका सिस्टम में आ गया, देन वर्क मे बी डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. जब हम वर्क का पॉसिबिलिटी का बात करते हैं, वहां पे दो पॉसिबिलिटी आता है, आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. दोनों ही केस में सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, कैन आई राइट दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी या नॉन मैकेनिकल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी में हम लोग मेनली नॉन मैकेनिकल एनर्जी का बात करते हैं, बट नॉन मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी होता है अगर सिस्टम काम करता है या सिस्टम के ऊपर काम होता है. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस सर. देखो वंस मोर आई एम सेइंग, सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, जो कि उसका इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है. बट व्हेन द सेम सिस्टम डज सम वर्क, सपोज वो सिस्टम कुछ काम कर लिया. देखो मैं यहां पे बैठा हूं, कुछ काम नहीं कर रहा हूं. दैट मींस व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क एज ए ह्यूमन बींग, जितना भी एनर्जी मेरे पास है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. Yes? Yes, sir. Yes. Yes, sir. But अभी मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. मैं कुछ काम कर रहा हूं. I'm doing some work. I'm lifting some object and placing it from one place to another place. I'm doing some work. I'm working. I am dragging something. कुछ एक काम किया. जब मैं काम किया, काम करने के बाद मैं जब एनर्जी कंटेंट का बात करूंगा, तो वहां पे ओनली इंटरनल एनर्जी बोलने से होगा क्या? अभी तो इंटरनल एनर्जी अभी नहीं है, मैं कुछ काम ऑलरेडी वहां से कुछ स्पेंड कर दिया हूं, दैट आई शुड डिडक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल एनर्जी और नॉट? यस सर. मेरा इंटरनल एनर्जी से मैं अगर कुछ स्पेंड कर देता हूं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, शुड नॉट आई डिडक्ट दैट एनर्जी फ्रॉम द टोटल, माने एनर्जी माय एनर्जी कंटेंट टू गेट द एनर्जी एक्चुअल एनर्जी कंटेंट ऑफ माय सिस्टम? यस सर. सिमिलरली मेरे पास एक सिस्टम है, एक मेरे पास एक गैस है एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंप्रेसिंग द गैस. दैट मींस सम वर्क इज डन ऑन द गैस, आई एम कंप्रेसिंग इट बाय मूविंग द पिस्टन इनवर्ड. सो इन दैट केस द कंप्रेस्ड गैस विल हैव मोर एनर्जी और नॉट देन ए रेरिफाइड गैस? एक एक्सपांडेड गैस एंड कंप्रेस्ड गैस. कंप्रेस्ड गैस का एनर्जी ज्यादा है, क्यों? Because some work is done on the gas to compress it, and that
energy flows into the system in the form of work. So while expressing the energy content of that compressed gas, can I tell just energy content is equal to internal energy? I should tell the internal energy plus the work that enters into the system. Is not it? Yes, sir. That is what I want to highlight. Try to understand the difference between U and H. The only difference is this one. You see, here I have written no work done. You see, means there is no volume change. But agar ek process aisa hai jahan pe volume change hota hai, to that to understand. Hum jab process ko carry out karte hain, there are two possible ways. Either at constant volume or at constant pressure. There are two possibilities. You see? And you see, majority of the process that happens in the nature happens at constant pressure or under atmospheric pressure. Ab soch lo. बहुत कम प्रोसेस ऐसा है जहां पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल. हो सकता है क्लोज कंटेनर में क्लोज बॉम्ब रिएक्शन हम कर सकते हैं, बट ज्यादातर रिएक्शन, ज्यादातर प्रोसेस और नेचर में जितना भी प्रोसेस हो रहा है सब तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है. एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ कन्फाइंड एरिया. एटमोस्फेरिक प्रेशर, मैं जानता हूं एटमोस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है एंड वेरी भी करता है, बट इन ए कन्फाइंड लैबोरेटरी और इन ए कन्फाइंड रीजन एटमोस्फेरिक प्रेशर डज नॉट वेरी एप्रिसिएबली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. सो जितना भी प्रोसेस नेचर में होता है सब अंडर एटमोस्फेरिक प्रोसेस होता है एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर में होता है. तो कंक्लूजन ये है कि ज्यादातर प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर में होता है. And when the process takes place at constant pressure, always there is a possibility of work, that is PV work. So, jab process constant pressure mein hoga, to pressure volume work hone ka possibility hoga. And whenever there is a possibility of work, the energy content of the system is not exactly equal to internal energy. Rather, it should be the sum of internal energy and the energy acquired due to PV work. Try to understand my point. Okay, so that is what I'm going to write here. You can sir, there are doubts like. हाँ बोलो, मैं लिख रहा हूँ. At the same time, you can also tell me. Sir, enthalpy मतलब pressure पे constant pressure पर रहेगा और internal energy constant volume पे. हाँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो एंथैल्पी अकाउंट फॉर द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क एंड व्हेन वर्क इज नॉट डन देन व्हाटएवर इंटरनल एनर्जी चेंज इज देयर दैट इज इक्वल टू हीट चेंज. ओके, सो यू कैन से एट कॉन्स्टेंट प्रेशर the energy content of a system is the sum of internal energy and energy exchange due to pressure volume work. Try to understand my point. That means H is equal to U plus PV. Do you understand that? Have I written the correct expression? Because this is written at a particular state. So enthalpy, jab hum bolte hain, this is a new function. But that includes both internal energy and energy due to that work. I am writing plus. I am not saying that it will be always plus. That depends on whether work is done by the system or on the system. Okay. But by definition, when I say enthalpy, that is actually internal energy plus work. But work ka jo sign hoga, definitely
वो डिपेंड करता है. आई एम टेकिंग द फोन ऑफ ए स्टूडेंट एक्चुअली, बार बार वो कॉल कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं. लेट मी टेक दैट कॉल. है हेलो हेलो. सो कैन आई प्रोसीड फर्दर सर? मेरा डाउट सर. हाँ बोलो सर. H इज इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा भी आना चाहिए कि सिर्फ P भी आना चाहिए? P डेल्टा भी होगा, बट दैट विल बी व्हेन वी विल गो फॉर द चेंज. तभी लिखते हैं ना डेल्टा एन जी आर टी, तभी लिखते हैं फॉर्मूले में डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी. हाँ दैट विल राइट, दैट विल राइट. दिस इज आई एम राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट. I'm not writing for the change. When I will go for the change, this pressure is constant and volume will change. P delta V, I will write. I'm coming to that. Okay. It is an extensive property. I think already you know it. A state function. This is very similar to that what we have discussed in internal energy. Huh. One more thing I have forgotten. Absolute value. Absolute value. Cannot be measured. Am I correct? Yes. Absolute value कैसे measure करोगे? U का तो absolute value measure नहीं कर सकते. H का कैसे करोगे? समझ में आ रहा है तो? हाँ सर, सिर्फ change हो सकते हैं. Okay. So delta H given priority. I think this is also the same, but only difference will be physical significance. So let us look at physical significance. Can I write that delta H is equal to HF minus HI? Yes? Are it theek hai ki nahi? Yes. So UF minus UI plus P into VF minus. I'm assuming constant pressure, na? Delta U plus P delta V. Okay? So delta H is equal to delta U plus P delta V. Now, from first law, what you know? Can I replace delta U? What is delta U from first law? Q minus W is what? P delta V? P delta V. Then what is that? Samajh mein aa raha hai? That implies delta yes. H is equal to what? Q. That means again, we have arrived at the same conclusion that enthalpy change is the heat change. Take a charger switch. Enthalpy change is the heat change. Is not it? So here we can conclude it is nothing but the heat change at constant pressure. Do you understand now? Yes. Yeah. And often we say this is QP. Just to distinguish between QB and QP. So, isse ek cheez to very clear hai. इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी अगर फिजिकली हम लोग बोले तो वो एक ही चीज को इंडिकेट करता है, हीट एक्सचेंज्ड इन अ प्रोसेस. एक रिएक्शन हो रहा है, सपोज रिएक्टेंट्स आर मूविंग फ्रॉम रिएक्शन इज मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. मैं पागल हो जाऊंगा. लेट मी टेक दैट कॉल. वी सेम स्टूडेंट. हेलो नमस्कार. मैडम मु क्लास रे अच्छी. आई एम टेकिंग द क्लास नाउ. मु क्लास पर ही कथा ही करी. आई विल कॉल यू बैक. ओके. सो दैट मींस डेल्टा एच एंड डेल्टा यू अकाउंट्स फॉर द सेम, दैट इज हीट एक्सचेंज्ड इन अ प्रोसेस. सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स आर मूविंग इनटू प्रोडक्ट्स, कितना हीट रिलीज हो रहा है या कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज
योर इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज, दोनों सेम ही है. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वी से दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यू हैव टू टेक एंथैल्पी चेंज. ओके, एंड प्लस टू में हम लोग ये क्लियरली देखे हैं, वी हैव सीन इन इंटरमीडिएट लेवल वेरी क्लियरली दैट दिस इज मोर कॉमन. इसलिए हीट चेंज इज यूजुअली रिगार्डेड एज एंथैल्पी चेंज. ओके, हीट चेंज को हम एंथैल्पी चेंज ही बोलते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज समबडी स्पेसिफाइज दैट देयर इज नो वर्क डन. कोई अगर स्पेसिफाई करता है वर्क डन नहीं हो रहा है, देन अलग बात है, then in that case we say that internal energy change, but otherwise enthalpy change is the more common term. Clear? Yes sir. Okay. Before we go to the further discussion, मैं और एक point इसमें add करूंगा. ये जो discussion में किया U and H का, उसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा. ये जो डेल्टा एच या डेल्टा यू जो है, इसका जो साइन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल. दैट क्रूशियल रोल इज टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी. एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट तो वही पे है. आई हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई और इन ऑर्डर टू ले डाउन सर्टन कंडीशंस टू डिसाइड फिजिबिलिटी. मेरा इंटेंशन तो वही है, स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी को डिसाइड करना. तो साइन ऑफ दिस डेल्टा यू और डेल्टा एच, ये लास्ट पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं. साइन ऑफ डेल्टा यू कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द क्राइटेरियन ऑफ फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी. दोनों सेम मीनिंग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. मैं ये बोल रहा हूं कि साइन ऑफ डेल्टा यू, दैट मीन्स डेल्टा यू अगर नेगेटिव है, आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है. आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल है. सिमिलरली अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, वो लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड. तो माय पॉइंट इज दैट साइन ऑफ डेल्टा यू कैन बी यूटिलाइज्ड एज, यू सी वन ऑफ द क्राइटेरियन, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, वन ऑफ द क्राइटेरियन, दैट मीन्स डेल्टा यू लेस देन जीरो, यू कैनॉट कंक्लूड दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, बट यू कैन से there is every possibility that the process will be spontaneous. This is one of the condition na. ye to overall condition nahi hai, ye to resultant condition nahi hai. isi ek condition ko dekh ke main nahi bol sakta ki process ultimately spontaneous hoga ya nahi hoga. try to understand the quote. from the single condition I cannot conclude that the process will be spontaneous. are you getting my point? but remember energy kam hona always ek driving process hai. इसका मतलब फिजिकली यही है कि लोयरिंग ऑफ एनर्जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोयरिंग ऑफ एनर्जी ऑलवेज एक्ट्स एज ए ड्राइविंग फोर्स. मैं आपको बोला था सभी प्रोसेस के पीछे ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस होता है, बट रिमेंबर कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी कम हो रहा है, एनर्जी बाहर जा रहा है सिस्टम से, वो अच्छा है. Lowering of energy always acts as a driving factor, but so stability gain करता है. मैं वही बोल रहा हूँ. Ultimately, वो drive कर पाएगा कि नहीं, वो system माने process को drive कर पाएगा कि नहीं, खींच के ले सकता है कि नहीं, वो तो अलग बात है, क्योंकि other factors में oppose and act in a reverse direction and nullify the effect of driving effect of lowering of energy. Try to understand my point. अगर ये एक ही फैक्टर होता है एंड एनी प्रोसेस अकॉम्पनीड बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी स्पॉन्टेनियस होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होता. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट.
there are several endothermic processes which are spontaneous. ऐसे बहुत सारा endothermic process है जो कि spontaneous है. एक simple physical process का example दे रहा हूँ. आप एक ice cube आपका refrigerator से निकाल के table के ऊपर रख दीजिए. वो gradually melt करेगा कि नहीं? Yes sir. Yes sir. तो room temperature में melting of ice is a spontaneous process or not? Yes, एनर्जी वो कहां से गेन करता है? डेफिनेटली सराउंडिंग से लेके. सराउंडिंग से. तो प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनर्जी कम होने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, बट ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है. लुक एट रिवर्सिबल प्रोसेसेस. आपने बहुत सारा रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा होगा. ली चैटलर्स प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, बहुत सारा चीज प्लस टू इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा. हैवर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वेरी वेरी कॉमन रिवर्सिबल प्रोसेस. आप सोच लो, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसका एक डायरेक्शन तो एंडोथर्मिक होगा ना. अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा. बैकवर्ड फॉरवर्ड अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा. तो एक तो डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगा. मैं अगर बोलूंगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर नॉट फिजिबल एट ऑल in any circumstance, so reversible process should not exist in the universe. So ye sab cheez bolne ka yahi matlab hai ki lowering of energy always a positive factor hota hai, means driving factor hota hai process ke liye, but ultimately that will be able to drive or not ye alag baat hai, ye humko dekhna padega. Okay, so try to remember that this is one of the condition, not the only condition. And similarly, delta H less than zero spontaneous, kyunki physically internal energy and enthalpy mein koi farak nahi hai. To jo cheez yahan pe hum log conclude kar rahe hain physical significance mein, the same factor here also we can keep. Samajh mein aaya? Yes. फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस. ऑफन वी गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. आप बाद में जब जाओगे दूसरे जो पैरामीटर्स इंक्लूड करूंगा मैं, वहां पे कंफ्यूजन बहुत सारा होता है फिजिकली समझने में. मैं देख आपको वो सब लॉजिकल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा क्लास में, तब आप समझ में आएगा आपका. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑलवेज, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए एंड उसको थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इज एक्चुअली द रियल साइंस. जितना भी साइंस हम पढ़ रहे हैं, सबसे जो रियलिस्टिक साइंस है, जो एब्सोल्यूट साइंस है, वो थर्मोडायनेमिक्स है. 100% करेक्ट एंड देर इज नो एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट. ओके, एनीवे, एक और एक चीज का मैं यहाँ पे आपको बोलता हूं जो कि रिलेटेड टू क्यूपी क्यू है. द रिलेशन बिटवीन दिस क्यूवी एंड क्यूपी, दैट मींस डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. सो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन ऑलरेडी एक्चुअली मैं निकाल दिया हूं यहां पे. यू कैन सी दिस रिलेशन नंबर वन, इज नॉट इट? तो वहीं से मैं लिखता हूं यहां पे. So from 1, already I know this, delta H is equal to delta U plus P delta P. So यहाँ पे मैं replace कर दूंगा, कोई problem नहीं है. Delta H का physical significance मुझे पता है, QP. Delta U का physical significance मुझे पता है, QV and P delta P. But normally, as a chemist, मैं ज्यादातर reactions में interest मेरा है. अगर मैं reaction में interest रखता हूँ, तो वॉल्यूम के जगह पे मोल सब्स्टिट्यूट करने से मेरा काम ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम से ज्यादा इजीली मैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. सो मैं वही चीज यहां पे कर रहा हूं. डेल्टा भी को सब्स्टिट्यूट में कर देता हूं. डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी. सो पी डेल्टा भी के जगह पे मैं डेल्टा एन आर टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ये वेरी ओल्ड मेथड, रिलेशंस गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़े हैं. बी इज प्रोपोर्शनल टू एन,
वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में कौन सा लॉ है? यस अरे कौन सा लॉ है? अवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ, वेरी वेरी पॉपुलर। तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो चेंज इन मोल्स के साथ रिलेटेड है, तो डायरेक्टली आई एम रिप्लेसिंग दैट डेल्टा एन आर टी। बट रिमेंबर लेट मी यूज ए सबस्क्रिप्ट हियर जी, दैट मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स। क्योंकि अब देखो मैं एक फंडामेंटल चीज बोलता हूं, आपको सब जगह पे काम में आएगा। आप जितना भी रिएक्शन प्लस टू में आप पढ़े हो, नॉर्मली रिएक्शंस कौन सा फेज में होता है? गैसियस। ज्यादातर रिएक्शन गैसियस फेज में होता है या सॉल्यूशन फेज में होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट सॉलिड स्टेट रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। नाउअडेज इन अ ग्रीनर अप्रोच वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू कैरी आउट सॉलिड फेज रिएक्शंस, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली थोड़ा होता है। उसके ऊपर तो पूरा लेक्चर हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। माई पॉइंट इज दैट नॉर्मली वी कैरी आउट रिएक्शन इन गैसियस फेज एंड सोल्यूशन फेज। आप देख लो सोल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में अगर हम सब्सटेंस लेते हैं तो वॉल्यूम चेंज बहुत नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम चेंज अप्रिसिएबल होता है व्हेन वी टेक द सब्सटेंस इन द गैसियस फॉर्म। देयरफॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेल्टा एन और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अकॉम्पनिंग ए रिएक्शन, वी नॉर्मली कंसिडर ओनली द गैसियस कंपोनेंट्स। We do not consider the solid components or liquid components or even the solution components for calculation of delta N. So that is what I want to highlight. Let us do one question. A question karta hai. You can see this question. The heat change at constant volume during the complete combustion of 7.8 gram of liquid benzene is 320 kilojoule. Find the same at constant pressure. Can you do that? Yes. ये जो problem है, ये problem based on the above relation है, क्योंकि without problem solving one cannot understand the applicability of the relation. I will also talk about something else regarding this equation, but let me do that question first. Can anyone tell me how to approach that? Sir, we will use the formula above that was written. QP is equals to QV plus delta NG RT. And okay, formula it's okay. Formula it's okay. But directly. So firstly, we write a balance equation. Yes. 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 So this is delta. Exactly. This is a problem where writing a thermochemical equation is very, very vital. Okay. So let me write that thermochemical equation. Okay. What is the reaction actually? Combustion of benzene. So C6H6 liquid benzene. Combustion means O2. And any hydrocarbon undergoes complete combustion. That means what are the products we are expecting? CO2. CO2. And H2. Water and CO2. नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है एंड वाटर लिक्विड होता है। आई एम रिकॉलिंग यू बैक व्हाइल राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिस फिजिकल स्टेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ आई राइट वाटर गैस
then some part of energy will be utilized to convert water into gas. Try to understand my point. So physical states are very, very important. And normally while writing the thermochemical equation, we write down the physical states as per the normal condition. Means atmospheric pressure and 25 degrees Celsius mein carbon dioxide gas hai, water liquid hai, oxygen gas hai, and benzene liquid. So physical states I'm writing at the standard conditions. Standard thermodynamic conditions, one atmospheric pressure and average room temperature of 298 Kelvin. Try to understand. Next thing is that physical state ke alawa, thermochemical equation should be stoichiometrically balanced. So isko balance karna padega. Balance karne ke liye heat and trial method sabse easy hai, directly we can apply here. So 6 कार्बन यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ. ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन एक एलिमेंटरी गैस है. तो नॉर्मली हम जब हीट एंड ट्रायल मेथड में बैलेंस करते हैं द इजीएस्ट मेथड होता है वहाँ पे एलिमेंटरी गैस को सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं. तो पहले हम ये बैलेंस कर लिए व्हिच कार्बन देन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है सो मैं यहाँ पे 3 H2O लिख सकता हूँ. एंड फाइनली आई विल बैलेंस द एलिमेंटरी गैस. तो एलिमेंटरी गैस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना ऑक्सीजन हो रहा है. तो 6 × 12 बस ये 3 सो 15. सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 15 by 2. ओके तो 1 मोल बेंजीन के लिए आपका यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो किसका वैल्यू दिया है वॉल्यूम तो QP दिया है. तो QP is given as 320 kilojoule. ओके समझ में आ रहा है. सो प्लस दिया है एक्चुअली. प्लस मींस समझ में आ रहा होगा आपको ये एब्जॉर्ब हो रहा है. दैट मींस वी आर एडिंग दिस मच ऑफ एनर्जी. सर QV दिया हुआ है ना. ओहो हो 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 हीट कांस्टेंट सॉरी 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 एक मिनट. The heat change at constant volume is given, na? So QV is given. Okay, sorry. And this is also heat of combustion is always negative. कोई भी एक substance अगर आपका combustion हो रहा है, तो ये negative होता है. Minus ये release हो रहा है. Okay, 320 kilos. So you might be thinking that Sara has written in the molecular format. But this can be also written by multiplying 2 in the whole equation. आप कर सकते हो. आप 2 multiply करके लिख सकते हो. But ये energy को आपको double करना पड़ेगा. Is not it? Yes, sir. वो balance नहीं रहेगा. Why? Sir, वो actually sir ये liter में liquid में भी दिया है और उसको अपन count भी नहीं करेंगे तो उसके लिए तो 1 mole रहेगा. वो अलग बात है. मैं ये बोल रहा हूँ. अगर पूरा equation में मैं 2 multiply कर लेता हूँ. तो एनर्जी जो रिलीज होता है वो क्या 320 रहेगा. वो तो 640 हो जाएगा ना. यस सर. तो व्हाई वो डबल हो जाता है. मींस इक्वेशन बैलेंस बिकॉज़ वी आर डबलिंग द अमाउंट ऑफ बेंजीन. सर रिएक्टेंट डबल हो रहा है तो वो प्रोडक्ट का भी चेंज आएगा जिससे बेंजीन. ठीक है वो तो समझ में आता है. बट यू शुड टेल मी दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यस मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं. यस सर. वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है ना. ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना. ओके यस सर. एनीवे सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ओके सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली एडिटिव इन नेचर. तो ये दो डबल हो जाएगा तो इसको भी डबल करना पड़ेगा. एनीवे तो इसमें डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर देते हैं. डेल्टा एन जी में ओनली गैसियस कंपोनेंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट. So 6 minus 15 by 2. That is minus 3 by 2. Is not it? Yes, sir. So QP is equal to QV plus delta NG RT. That is equal to QV is 320 kilojoule is given. So joule mein kar lete hain. 10 to the power 3 joule. Plus, ye to minus ho jayega. 3 by 2 into R. आर आपको जूल में डालना पड़ेगा 8.314 एंड टेम्परेचर इज नॉट गिवन तो वी कैन टेक दैट एवरेज रूम टेम्परेचर 298. ओके
हो जाएगा क्यू वी शुड बी नेगेटिव हां तो क्यू वी शुड बी नेगेटिव ओके सो हो जाएगा तो ये भी जूल में आ गया यस सर आर का वैल्यू जूल पर कर देंगे आप स्लाइड को हाँ मैं दे रहा हूँ जूल पर केल्विन पर मोल आप ये याद रखिए आर का वैल्यू कैलोरी में करोगे तो 1.98 आएगा इसको अगर कैलोरी में करोगे तो 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल डिपेंडिंग ऑन द डाटा गिवन यू हैव टू यू मे यूटिलाइज कैलोरी में थोड़ा इजी होता है क्योंकि 1.98 को आप 2 राउंड ऑफ कर सकते हो ओके कोई कैलकुलेट किया क्या यस सर माइनस 323.63 किलो जूल माइनस 3 23.6 किलो जूल यू कैलकुलेट एंड राइट you should not be worried about that whatever you are getting you will write okay and one more thing let me tell you aapka qp zyada hoga ya q bhi zyada hoga ye aap relation se yahan pe dekh sakte ho okay it actually depend karta hai ki delta ng aapka greater than 0 hai ya negative matlab less than 0 hai is not it are samajh mein aa raha hai ki nahi yes sir agar aapka number of moles product mein zyada hai So definitely QP is more than QV, is not it? That means QV में कुछ add करने के बाद ही वो QP से same हो रहा है ना? Do you understand? And if there is no change in volume, number of moles, आपका अगर कोई भी number of moles में change नहीं हो रहा है, तो QP QV में कोई अंतर नहीं है. Internal energy जो है, enthalpy वही है. वो तो हम शुरू से बोल रहे हैं. कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है कुछ पीवी वर्क नहीं हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क कुछ नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं यस सर मेरा डाउट था सर ये आपने जो 7.8 ग्राम लिक्विड बेंजीन दिया है इसका तो कोई यूज आया ही नहीं अरे मैं भूल गया ओ सॉरी हमने आपने सही बात पकड़ा मैं यहाँ पे 320 किलो जूल लिख दिया यू सी व्हेनेवर वी आर राइटिंग सम एनर्जी चेंज अकॉम्पनिंग ए रिएक्शन दैट एक्चुअली अकाउंट्स फॉर द स्टोकियोमेट्री दैट मींस यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यू टू कॉम्बशन ऑफ वन मोल बट आई एम सेइंग दिस इज 320 किलो जूल पर ग्राम सॉरी कितना बड़ा मिस्टेक मैंने किया 320 किलो जूल पर ग्राम ओके पर मोल इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा मैं कर देता हूँ यहाँ पे yes. मैं प्रॉब्लम सोच के दिया हूँ क्योंकि 78 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन आर यू गेटिंग माय पॉइंट आप अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करोगे तो 78 है सर तो 78 मींस ये हो जाएगा 3200 जूल सॉरी किलो जूल पर मोल सबको समझ में आया सर एक काम कर सकते हैं ना क्वेश्चन में डायरेक्ट 78 ग्राम ही दे दीजिए तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी नहीं 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 वो ये एक पॉइंट है मैं एक्चुअली स्टूडेंट गलती करेंगे इसलिए तो दिया हूँ आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैं तो खुद गलती किया आई शुड नहीं सर मैंने अगर 78 कर दे तो ऊपर तो कुछ चेंज आएगा नहीं 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 कुछ नहीं अगर 78 कर दूंगा या पर मोल लिख दूंगा 320 किलो जूल पर मोल लिख दूंगा तो कोई चेंज ये सब चेंज करने का जरूरत नहीं कर दीजिए क्या इन्हें क्वेश्चन को चेंज मत कीजिए वो ये इस एक पॉइंट को एलाबोरेट करने के लिए बोला गया है कि आपको मोल में कन्वर्ट करना है ओके तो 7.8 ग्राम मींस दैट इज एक्चुअली 0.1 मोल तो 1 मोल के लिए वो 10 टाइम्स हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 3200 ओके सो यहां पे 3236 हो जाएगा और क्या नहीं ये डेसिमल पॉइंट आपका हट जाएगा ना यस सर तो इसको हम इतना बड़ा आ रहा है जूल आएगा ना कितना आ रहा है देखो तो हाँ होगा सर किलो जूल में ही आएगा हाँ ठीक है किलो जूल में डेफिनेटली आएगा क्योंकि
वो तो 320 जूल है पर 7.8 ग्राम ना, तो पूरा 78 ग्राम होगा तो ये 3200 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके सो दैट इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। आई एम वेरी सॉरी मैं वो पॉइंट को इग्नोर कर दिया था, आई शुड हैव सीन दैट 7.8 ग्राम लिखा है पर मोल नहीं है। ओके सबको समझ में आ रहा है ना, कोई एम्बिग्यूटी है? नो सर, सो दैट फिनिशेस दैट यू एंड एच पार्ट। आज तो टाइम नहीं है, ऑलरेडी इट इज ओवर। सर प्लीज पीपीटी शेयर कर देना, ठीक है, क्लासरूम। हां मैं अभी अभी उसको शेयर कर दूंगा जस्ट, क्योंकि मैं भूल जाता हूं। ओके सर थैंक यू, मैं कर दूंगा अभी। मेरा और एक क्लास है एक्चुअली 12 बजे, बट बिफोर दैट आई विल डू। ओके सो थैंक यू, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एंट्रोपी। नेक्स्ट क्लास में हम ये एनर्जी का और कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी का डिस्कशन आप प्लस टू में किए हो, तो कहीं पर जरूरत होगा तो मैं वो प्लस टू का नॉलेज जो है वो आपको ब्रशअप कर दूंगा एंड यूटिलाइज करेंगे हम लोग। ओके ज्यादा और कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा एक्चुअली, मैं यहीं से सिलेबस में एंट्री करूंगा, क्योंकि योर सिलेबस स्टार्ट्स विद एंट्रोपी एक्चुअली। ऑलरेडी वी हैव गिवन 3-4 क्लासेस टू इंट्रोडक्शन, तो एंट्रोपी विल बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।